दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सात सांसें रोक देने वाली सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज को, जिसको देखते वक्त एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण आप इन सभी कैरेक्टर के साथ मैन्युअली कनेक्ट हो जाते हैं। एंड बाय द वे, इस लिस्ट की एक मूवीज को छोड़कर बाकी सभी मूवीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी नंबर 7 की मूवी नोवेयर, एंड ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई है। एक कमाल की हॉरर सर्वाइवल फिल्म है जिसमें हम स्टोरी देखते हैं मियां नाम की एक लड़की की, जिसके देश में हो रहे वार की वजह से वो अपने देश को छोड़कर जाना चाहती है। अब वो कैसे भी करके एक शिप के कंटेनर में छिप जाती है, लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब मियां जिस कंटेनर में छुपी होती है वो कंटेनर एक बहुत ही बड़े तूफान के चपेट में आ जाता है, और उसके कंटेनर के साथ एक और भी कंटेनर होता है जिसमें बहुत से लोग सवार होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो कंटेनर उसी समय डूब जाता है और इनको बचाने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं होता है। एंड अब क्या मियां अपने बच्चे के साथ सर्वाइव करके इस समुद्र से बाहर निकल पाती है या नहीं, वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स है जिसको देखते वक्त आप शायद अपनी पलके झपका लेंगे। इस मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, एंड आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी नंबर 6 की मूवी है फॉल, एंड ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई है। एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है एंड इसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है दो बेस्ट फ्रेंड बेकी और हंटर की, जो एक दिन दोनों डिसाइड करती है 2000 फीट लंबे रेडियो टावर जो काफी दिनों से बंद पड़ा था उस पर क्लाइम करने को, और एट दी एंड वो उस पर चढ़ तो जाती है, लेकिन जब वो उस टावर से उतरती है तभी उस टावर का स्टेयर टूट जाता है और वो अब उसी रेडियो टावर पर फंस जाती है। और वो रेडियो टावर किसी सुनसान रेगिस्तान में होता है तो उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब क्या ये लड़की इस टावर से सेफ नीचे उतर पाती है या नहीं, वही सब आप इस मूवी के अंदर एक्सपीरियंस कीजिए। ये मूवी थोड़ी आपको हॉरर वाली एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है, तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, एंड आपको ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर 5 की मूवी है सोसाइटी ऑफ द स्नो, एंड ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई है। एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है एंड ये मूवी रियल इवेंट पर बेस्ड है, जिसको देखते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड इस मूवी की स्टोरी 1972 में शिफ्ट होती है, जब एक प्लेन में 45 लोग सवार होकर किसी दूसरे जगह जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका प्लेन एक बार फीले पहाड़ से टकरा जाता है, जिसके बाद कुछ लोग तो उसी बीच मर जाते हैं और जो बचते हैं वो किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। और जिस जगह इनका प्लेन क्रैश हुआ होता है वहाँ पर रात को टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता है, लेकिन अब कैसे ये बचे हुए लोग इस ठंड में सर्वाइव करते हैं वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी आपको हर एक सीन में आपको इंटेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी। इस मूवी को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, एंड आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी नंबर 4 की मूवी है अंडर पेरिस, एंड ये मूवी साल 2024 में रिलीज हुई है। एक एक्शन हॉरर फिल्म है और जाहिर सी बात है कि ये एक शार्क वाली मूवी है, तो इस मूवी की स्टोरी पूरी तरीके से एक शार्क पर फोकस करती है, जिसमें हम पेरिस सिटी को देखते हैं जहां अचानक से एक समुद्री शार्क भूला भटक के पेरिस शहर के बीचों बीच नदी में आ जाती है और पेरिस के लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये बात पेरिस के गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो कैसे अपने आर्मी और वहां के रिवर पुलिस को कमांड करते हैं, और इस शार्क को रोकने में सोफी नाम की एक हाईली ट्रेंड शार्क रिसर्चर की हेल्प लेते हैं। एंड अब क्या ये टीम इस शार्क को मार पाती है नहीं, वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इस मूवी के अंदर आपको एक अंडर वाटर बंकर वाला सीन देखने को मिलेगा, जहां पर ये शार्क बहुत से लोगों को मार देती है और कुछ ही लोग वहां से सर्वाइव करके निकल पाते हैं, जिसे देखते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, एंड आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी नंबर 3 की मूवी नो वे अप, एंड ये मूवी साल 2024 में रिलीज हुई है। एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म है जिसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है कुछ अननोन पैसेंजर्स की, जिनके एक सफर के दौरान उनका प्लेन एक्सीडेंटली समुद्र में गिर जाता है, जिसके बाद इनको बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन एक खतरनाक शार्क होती है जो इन रेस्क्यू टीम को मार देती है। अब कैसे इस प्लेन में मौजूद लोग इस शार्क से सर्वाइव करके अपनी जान बचाते हैं वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। एंड इस मूवी के हर एक सीन पे आपको सर्वाइवल और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इस मूवी को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है, एंड आपको ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर 2 की मूवी है 12 फीट डीप, एंड ये मूवी साल 2017 में रिलीज हुई है। एक हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म है जिसको देखते समय आपके हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है दो लड़कियों की, जो एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाती है, लेकिन ये जल्द ही रियलाइज करती है कि इनमें से एक लड़की की एंगेजमेंट रिंग इस स्विमिंग पूल में गिर जाती है। और जब ये दोनों लड़कियां इस रिंग को वापस से इस स्विमिंग पूल से निकालने के लिए जाती है, ठीक तभी ये स्विमिंग पूल बंद कर दिया जाता है और ये दोनों लड़कियां इस स्विमिंग पूल में फंस जाती है। एंड कोइंसिडेंटली ये पूल हॉलीडे वीकेंड्स की वजह से लंबे समय तक बंद रहेगा। एंड अब ये लड़कियां इस स्विमिंग पूल से बाहर निकल पाती है नहीं, वही सब आप इस मूवी के अंदर एक्सपीरियंस कीजिए। ये मूवी आपको एंड तक सस्पेंस में रखेगी। इस मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, एंड आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी नंबर 1 की मूवी है सिविल वॉर, एंड ये कोई सर्वाइवल मूवी नहीं है, पर मैंने इस मूवी को सर्वाइवल कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये मूवी आपको सर्वाइवल वाला ही फील देती है, जिसकी वजह से मैंने इस मूवी को इस लिस्ट में ऐड कर दिया है। इस मूवी की स्टोरी डिस्टोपियन फ्यूचर में
सेट होती है जब अमेरिका में सिविल वार शुरू हो जाता है और कुछ जर्नलिस्ट के ग्रुप होते हैं जो हो रहे सिविल वार को इन्वेस्टिगेट करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी से डीसी जाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वार क्यों शुरू हुआ है। और यही पता लगाने ये जर्नलिस्ट निकलते हैं, लेकिन इनको रास्ते में बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इस मूवी की फुल स्टोरी इन्हीं के जर्नी पर फोकस करती है और आखिर तक क्या ये सर्वाइव करके अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं या नहीं, वो सब आप इस मूवी के अंदर एक्सपीरियंस कीजिए। ये मूवी हॉरर थ्रिलर के साथ सर्वाइवल वाली मूवमेंट्स भी क्रिएट करती है जिससे ये मूवी और भी ज्यादा सर्वाइवल और इंटेंसफुल बन जाती है। इस मूवी का IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग ली है एंड आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। सो गाइस ये हमारी टॉप 7 सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म थी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही मूवीज और सीरीज रिकमेंडेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।